हमने कॉम्पनसेशन पैकेज जो भी डिफाइन किए थे वो हमने लोकल एम्प्लॉइज को ही मद्देनजर रख के किए थे. पे रेंजेस या जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स जितना भी हमने कॉम्पनसेशन ड्राफ्ट किया, वी अज्यूम्ड दैट हम उन एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं जो करंटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और वो वहीं के लोकल्स हैं. कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन की तरफ जाती है, ग्लोबलाइज होती है, इंटरनेशनलाइज होती है, तो वो अपने एम्प्लॉइज को दूसरे मुल्कों में भी भेजती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. इस सूरत में वो कॉम्पनसेशन पैकेजेस जो हम लोकली वर्कआउट कर रहे हैं वो ही एप्लीकेबल नहीं होते, बल्कि चूंकि अब वो डिफरेंट रीजन्स में चले गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कॉम्पनसेशन पैकेजेस में कुछ ना कुछ ऐड होता है इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज के जो एक रीलोकेशन की एक हैसल है जो एम्प्लॉयज को फेस करनी पड़ी है उसको ओवरकम करने के लिए. सो जो इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन है उसमें मेन थ्री टाइप्स आती हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज की जो रीलोकेशन हो रही है इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स वो थ्री टाइप्स की होती है. एक आ जाता है होस्ट कंट्री नेशनल्स. होस्ट का मतलब होता है मेजबान. अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर किसी और मुल्क में है लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क में आके अपनी कोई जो ब्रांच है वो ओपन कर रही है, तो उस मुल्क जहां उसने अब अपनी ब्रांच ओपन की है वो एक होस्ट कंट्री है. और वहां पर जब उसको अपने एम्प्लॉइज को या अब चूंकि उसने दूसरे मुल्क में अपनी ब्रांच ओपन की है तो यकीनन वो रिक्रूटमेंट भी उसी मुल्क के नेशनल्स की करेगा और उस मुल्क के जो नेशनल्स हैं वो अब उसके एम्प्लॉय हो गए. तो इस सूरत में उसने जो भी कॉम्पनसेशन पैकेज बनाना होगा वो एज पर द कंडीशंस ऑफ दैट होस्ट कंट्री होगी, ना कि उसकी अपनी होम कंट्री जहां से वो आया होगा. इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह देखते हैं कि जैसे मैकडोनल्ड्स जो है वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जब उसने अपनी ब्रांचेस यहाँ पाकिस्तान में खोली और यहाँ पर उसने पाकिस्तानियों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी या तो फिर उनके जो कॉम्पनसेशन पैकेजेस या सैलरी पैकेजेस उसने ड्राफ्ट किए कंपनी ने तो वो एज पर अमेरिकन कॉम्पनसेशन पैकेजेस नहीं थे, बल्कि वो एज पर द पाकिस्तान जो है इन्फ्लेशन रेट या जो लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान की कंडीशंस देखते हुए वो सैलरी पैकेजेस डिफाइन किए गए. सो ये अप्रोच हो गई होस्ट कंट्री अप्रोच, या चूंकि होस्ट कंट्री नेशनल्स को उसने एम्प्लॉय किया. फिर सेकंड अप्रोच आ जाती है थर्ड कंट्री नेशनल्स की. ये थर्ड कंट्री नेशनल्स अगर इसी एग्जांपल को हम लेकर चलें कि मैकडोनल्ड्स ने पाकिस्तानियों को ही हायर किया लेकिन पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी नहीं, बल्कि उसने अपनी कोई ब्रांच सऊदी अरब में खोली और वहां पे उसने पाकिस्तानियों को एम्प्लॉय किया, तो इस सूरत में पाकिस्तानी जो है वो थर्ड कंट्री नेशनल्स कहलाएंगे, क्योंकि ना तो वो अमेरिका को बिलोंग करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की होम कंट्री है, ना वो पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं जो उन होस्ट कंट्री है पाकिस्तानियों के लिए या मैकडोनल्ड्स के लिए होस्ट कंट्री है क्योंकि उसने वहां के एम्प्लॉयज को लिया है, बल्कि वो एक तीसरा मुल्क है जिसमें एम्प्लॉयज का जिसमें कोई वास्ता नहीं है. लेकिन इस सूरत में जो मैकडोनल्ड्स है वो जो सैलरी पैकेज या कंपनसेशन पैकेज ड्राफ्ट करेगा वो एज पर द सऊदी कंडीशंस होगी, ना तो वो अमेरिकन कंडीशंस होंगी ना वो पाकिस्तानी, बल्कि वो सऊदी कंडीशंस होंगी उस थर्ड कंट्री की. सो इस सूरत में थर्ड कंट्री नेशनल्स को जो है वो कंपनसेट किया जाता है. फिर जो थर्ड टाइप ऑफ आप समझ लें कि ऐसे एम्प्लॉयज की जो के आउटसाइड द कंट्री एम्प्लॉय हो रहे होते हैं वो आ जाती है होम कंट्री नेशनल्स या एक्सपेट्रिएट्स. होम कंट्री नेशनल उसी मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल को लेकर चलें, अगर मैकडोनल्ड्स की एक ब्रांच अमेरिका में ही खुली हुई है तो उसने वहां अमेरिकन्स को ही एम्प्लॉयड किया है, तो वो उनको जो सैलरी पैकेज दे रहा है वो अपनी होम कंट्री की बेसिस पे दे रहा है, क्योंकि वो विद इन द अमेरिकन बाउंड्रीज है और एम्प्लॉयज भी वहीं के हैं तो वो होम कंट्री का लॉ चलेगा. या दूसरी सूरत में वो अपने ही कुछ अमेरिकन्स को कुछ स्ट्रेटेजिक की रोल प्लेयर्स को वहां से उठाता है और पाकिस्तान में भेज देता है ताकि वो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करें या मॉनिटर करें कि क्या मैकडोनल्ड सही से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं. तो इस सूरत में उसने अपने होम कंट्री नेशनल्स को किसी दूसरे मुल्क में जो है वो ट्रांसफर किया या उनको भेजा. इस सूरत में वो एक्सपेट्रिएट्स कहलाएंगे, यानी कि वो हैं तो होम कंट्री के लेकिन वो काम किसी और मुल्क में कर रहे हैं. इस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन की अब ये ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऊपर है कि यूजुअली फोकस वो करेगा कि जो सैलरी पैकेज जो कॉम्पनसेशन पैकेज उनके हेडक्वार्टर्स
या जो मेन ऑफिस है या जो अमेरिका में जो उनका मेन हेडक्वार्टर ऑपरेट कर रहा है उसके मुताबिक ही वो अपने उन एक्सपेट्रिएट्स को भी जो है वो कंपनसेट करेगा. सो ये तीन तरीके हैं जिनके थ्रू इंटरनेशनल एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंपनसेट करती हैं. इंटरनेशनल मैंने इनको इसलिए कह दिया क्योंकि ये आउटसाइड देयर ओन ज्योग्राफिकल टेरिटरीज जो है वो काम कर रही हैं या उन ऑर्गेनाइजेशनल सब्सिडरीज में काम कर रही हैं जो आउटसाइड द ज्योग्राफिकल या होम कंट्री हैं. अब जब हम कंपनसेशन पैकेज बनाते हैं तो उनमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उस पैकेज के वो हम देख लेते हैं. कोर कंपनसेशन एक तो हो गई कि हम जो कोर कंपनसेशन एक एम्प्लॉय को जो इस तरीके से डिफरेंट ब्रांचेस में काम कर रहा है जो ज्योग्राफिकली लोकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन की उनमें एक तो बेस पे लाजमी होगी वो एम्प्लॉय को हर हाल में दी जाएगी जो कि उसकी जो भी जॉब पोजिशन से रिलेट करती है. फिर आ जाता है फॉरेन सर्विस प्रीमियम. जाहिर है वो अगर एक कंट्री से दूसरी में जा रहा है तो उस पर उसको फॉरेन सर्विस की कंसिडरेशन में एक अमाउंट जो है वो एडिशनल दी जाएगी. फिर आ जाता है हार्डशिप अलाउंस. हार्डशिप अलाउंस का मतलब है कि उसे जिस रीजन में भेजा गया है हो सकता है उसमें कुछ हार्डशिप्स हों जो वो इनकाउंटर करता हो. वो ज्योग्राफिकल हार्डशिप्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं अफ्रीका में और हमें पता है कि वेदर कंडीशंस बड़ी एक्सट्रीम की हैं तो वो एक हार्डशिप अलाउंस उसको प्रोवाइड किया जाएगा. या कहीं सिक्योरिटी रिस्क जो हैं किसी मुल्क में वो ज्यादा हैं और वहां पे आपने अपने एम्प्लॉय को भेजा है तो उसमें फिर हार्डशिप अलाउंस भी कंसिडर किया जाता है कि इफ एप्लीकेबल. फिर आ जाता है मोबिलिटी प्रीमियम के नाम से भी कि जाहिर है एक एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट होना है तो उसके ऊपर जो उसका कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया जाए फाइनेंशियली. तो ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्ट्स हैं जो एक कोर कंपनसेशन में होने चाहिए अगर एक एम्प्लॉय को आप आउट ऑफ द कंट्री भेज रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट या किसी ऐसे एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहे हैं जो आउटसाइड द ज्योग्राफिकल या होम कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. फिर आ जाते हैं फ्रिंज कंपनसेशन. कोर कंपनसेशन तो फिक्स थी. अब ये फ्रिंज कंपनसेशन हैं जो इन एडिशन टू दिस दी जा सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और रीजन टू रीजन ये बेस करेंगी. एक तो आगे प्रोटेक्शन प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन उसे लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या किसी किस्म की इनकम प्रोटेक्शन दे रही है या किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन जो फाइनेंशियली उसकी प्रोटेक्शन दी जा रही है वो आ जाएगी इन प्रोटेक्शन प्लान्स में. फिर आ जाएंगे पेड टाइम ऑफ्स. उन टाइम के लिए भी उसको पे किया जाएगा जब वो काम नहीं कर रहा जैसे हॉलीडेज हो गई वोकेशंस हो गए लीव्स हो गई डिफरेंट तरह की उनके दौरान भी उसको कंपनसेट किया जाएगा. फिर रीएलोकेशन वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ है तो उस मद में उसको कोई ना कोई एडिशनल अलाउंस दिया जा रहा है या उसको असिस्टेंस दी जा रही है या उसको कोई रेजिडेंस प्रोवाइड की जा रही है. अगर वो किसी ऐसी जगह गया है जहां लैंग्वेज डिफरेंट है तो उसको लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जा रही है. ये सारी रीलोकेशन असिस्टेंस में आ जाएगी. फिर एजुकेशन रीइंबर्समेंट उसके साथ अगर उसकी फैमिली और बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर बच्चों को कोई वो जो एजुकेशन की रीइंबर्समेंट है वो दी जा रही है. होम लीव अगर उसकी फैमिली ने शिफ्ट नहीं किया और वो घर जा रहा है तो उसको कुछ लीव्स ऑफर कर दी जाए पेड लीव्स दे दी जाए होम लीव्स. फिर इसी तरह से ट्रैवल अगर वो जो ट्रैवलिंग हो रही है उसकी या उसकी फैमिली की तो उसमें जो है जो भी उसको असिस्टेंस दी जा रही है. और उसके बाद रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. जाहिर है अगर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में एम्प्लॉय को ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उसे कुछ ना कुछ टाइम चाहिए फॉर रिलैक्सेशन. तो अगर वो टाइम उसे दिया जा रहा है तो ये तमाम ऐसी असिस्टेंस हैं जो ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है या वो देख ली जाती है कि जॉब की नेचर क्या है जॉब की पोजिशन क्या है क्या एम्प्लॉय बहुत की प्लेयर है और उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है तो उसके ये जो पॉसिबल ग्रीवियंसेस हो सकते हैं जो रीलोकेशन से आ सकते हैं एक एम्प्लॉई को जो मसले मसाइल या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरे रीजन में गया है उसको कहीं ना कहीं से कवर करने के लिए उनको अकोमोडेट करने के लिए ताकि एम्प्लॉई रिटेन रहे हमारे साथ ये डिफरेंट पैकेजेस ये हैं जो ऑफर किए जाते हैं सो दैट के जो उनके एम्प्लॉयज जो इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट और रिटेन रखा जा सके.